विक्रमादित्य पूछे सभा कक्ष में आशंका हमारी मिटा दे कोई, पुण्य क्या मैं किया था प्रभु जन्म में कैसे राजा बना हूं बता दे कोई। कुछ मतलब का बात ले ला भोर हरी हो। एक बार राजा विक्रमादित्य पूरे सभा में ऐलान करके पूछलन, कितना बड़ा बड़ा ज्योतिषी विद्वान सब लोग बैठल बाप, एक सवाल हमारा हो कि सुनीला के आदमी के पूर्व जन्म के संस्कार ओकरे आगे आवला तो हम पूर्व जन्म में का कैले रहली कि राजा हो गेली। वाह सवाल किले है। यही सवाल पर एक बात कभी कहन यहाँ पर तर्ज बा। अरे जिसका सर पे हाथ हर दम गौस समदानी कहे, गौस समदानी कहे और जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी कहे, जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी कहे, जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी कहे। यही तर्ज है लेकिन कभी लिखल नहीं यहाँ पे। करे वक्त के स्वर से गुजरना आदमी की शान है, आदमी की शान है, अरे वक्त के स्वर से गुजरना आदमी की शान है, और खुद को पहले जान लेना ही असल पहचान है, खुद को पहले जान लेना ही असल पहचान, पहले जान लेना ही असल पहचान है। यह दुलाइन बात कभी कहलन कि वक्त के सर से गुजरना आदमी की शान है, और खुद को पहले जान लेना ही असल पहचान है। पहले अपने के जाने के पड़ी तब दुनिया के जानी। विक्रमादित्य जब सवाल खेलन है, ए भैया तो वहां का वातावरण कभी पेश करें के भ्रमर गुंजार करके छिप गए थे फूलों में, अरे भास्कर भूल गए भाव के वसूलों में, ज्योतिषी विद्वानों की बैठी भारी टोली थी, प्रश्न को सुन के सबकी बंद हुई बोली थी। ए भैया राजा विक्रमादित्य का सवाल सुन के लोगन मौन हो गए, कोई बोलत नहीं बाप। खुला शुरू भैल एक जने झोला उठौलन, कहा कि हमारे कुछ पेशाब लगे थे, दूसरा का जने कहा कि हमारे मैदान लगे थे, इतने धीरे धीरे कहा गेले अपन उठा शुरू भैल और घसक गए, आ जब घसका शुरू भैल तो एकदम मंडाल खाली हो गए, पंडाल खाली हो गए, सभा में खाली एक बुढ़वा बचल था। अब यह तो ज्योतिषी विद्वानों की बैठी भारी टोली थी, प्रश्न को सुन के सबकी बंद हुई बोली थी, भूप हैरान हुए कक्ष हुआ खाली है, बचा एक ज्योतिषी बोला बजा के ताली है। हाँ। एक बुढ़वा ज्योतिषी बचल लग गया। राजा पूछ रहे कि महाराज ये कैसन लोग घसक गई लग और तो ये अकेले रह गया का बात हो, कहें कि लोग घसक गए बताएंगे कोई के पल्ले सवाल का जवाब रहल ना, ऐसे लोग घसक गए, कल तक तू बैठल लगेला का बतैबा का, कल कि हम सवाल का जवाब तो न बताई लेकिन जगहिया बता देव जहां सवलवा का जवाब मिली। कलन के अच्छा तो बताओ महाराज कहां जवाब मिली, तो मेरे सरकार जब कि कृष्ण वन में जाएंगे वहां एक साधु होंगे भेद को बताएंगे, कृष्ण वन में चल जा और वही जो एक साधु हुई वह बता दी बतिया तुहार। कलन की ठीक हो, घोड़ा बढ़ोलन विक्रमादित्य पहुंचलन जंगल में,
कृष्ण वन में, और जहाँ एक साधु बैठ के भजन करत रहलन वही अर्जी लगौलन है, लेकिन तर्जवाई निर्गुणी भाव में बदल गई। कहा तर्ज है बा आई गीतिया आप लोगन के निर्गुण 17 तारीख के रेडियो से भी मिली, लेकिन यह गीतिया के तर्ज बा कि सुनिला गुजरिया चदरिया जैबू ओढ़ी के, ना ना गोरिया ससुररिया चदरिया जैबू ओढ़ी के, यही तर्जवा बाई निर्गुणी भाव। लेकिन राजा का द्वन आरत द्वारे हा भिखरिया पुजारिया बाबा बोलिदा, द्वारे हा भिखरिया पुजारिया बाबा बोलिदा, द्वारे हा भिखरिया पुजारिया बाबा। महाराज आंख खोला तनिक, साधु आंख खोलन, कहा भाई करन एक सवाल हम, इतने पूछल चाहते ही कम पूर्व जन्म में का कैली के जन्म में राजा हो गेली, हम अपने के पहचाने निकल रही खुद के। साधु कलन की महाराज सवलवा का जब वो हमरो लग गए ना, हम बता देव जगह हम हूँ। कहा साधु बोले चल जा छत्तीसगढ़ राजा के द्वारे। जन हो पूछ रहे कि हम कहा है, हम कहा रहली और कैसे राजा भैली, ये विचार करते। साधु करण के महाराज जल्दी चल जा छत्तीसगढ़ राजा के द्वारे। अब छत्तीसगढ़ राजा के द्वारे एक लड़का के लाश बा, वही लसिया सवाल का जवाब दे दे। जल्दी जा यहां से छत्तीसगढ़ राजा के द्वारे, लड़का के लाश पड़ बा और नगरी में रोज पैदा हो तो रोज मरत हो, और वह लसिया तो के सवाल का जवाब दे दे। जल्दी जा लसिया उड़ी तो जब वो न मिली, राजा घोड़ा बढ़ाऊ हाली हाली अब पहुंचे न कहा कि छत्तीसगढ़ राजा के द्वारे ए भी अटेरी मास्टर अरे मखाने में तबाही आ गई, सुषमा साज पड़े धर चले भेद जल जाने, सुषमा साज पड़े धर चले भेद जल जाने, मखाने में तबाही आ गई। राजा बढ़ल जा सुन हाली हाली पहुंचा छत्तीसगढ़ राजा के द्वारे, एक लड़का का लाश पड़ल बा और लोग अब उठावे की कोशिश में, तब तक राजा घोड़े पर लेवा दे कि जरा रुक जा लोग, रुक जा लाश के छोड़ा आगे जरा सबके बात पूछे के हो। लोग पछेट गए ऐसे में नहीं बाप ई लड़का के लाश से क्या पूछी, लाश कवन जवाब दी। लेकिन लोग कह रहे नहीं देखा था जब कहते बात, राजा निरल और घोड़ा से उतर गिर लसिया के लगे पहुंच गए है, लेकिन तर जवाब है बा
अरे अंगने में फूल फूल गे नाना दी बजले बधाई दुआरे पर। लेकिन एक हम बदल दिले ही कहा कि रोवनाई हालावा के लोग ये सखिया विदावा करावला पिया बदरी रोवनाई हालावा के लोग ये सखिया विदावा करावला पिया बदरी तब अरे छत्तीसगढ़ जाई देख लागे राजा दनिया माफ रह रसिया धैला किन। जब पहुंचले राजा तो प्रश्न का जवाब पूछे लसिया से भारी आई है आवाज जाओ गव बनिहारी भेदवा बताई हीरा धोबी के दुल्हनिया लसिया धैला दुवरे पर। और राजा आवाज में कहे बच्चे की लाश मेरे सवाल का जवाब चुका दे। आवाज ये लसिया से कि अब यहाँ कुछ नहीं बाप जल्दी निकल जा मनिहारी गांव और हीरा धोबी के द्वारे चल जा तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। हीरा धोबी के दुल्हन बताई तो के राजा धीरे धीरे वहां से घोड़ा बढ़ावे आ गेलन कहां दरदवा आ गेलु है हमार कि कहावा का खालर चुनावा कहावा कपन कोवा कटी बोली लीला रावा मारे हो अरे धोबी के दुबारा पहुंच राजा दलिया भेदवा का बातिया भेदवा का बातिया पूछ पूर्व जन्म का हाल भेदवा का करके सत कर तब बोलल बाधविनिया भेदवा का बातिया राजा करा मनवा में ख्याल भेदवा का बातिया था। ए भैया पहुंचले हीरा धोबी के द्वारे मनिहारी राजा आवाज दलन है हीरा धोबी कहे तरी अपने दुल्हनिया के बुला दब दुल्हनिया आयल है धोबिनिया जब आयल है तो राजा पूछलन है क्या मेरे सवाल का जवाब दे दे धोबिनिया कलश की महाराज हमार पहले सेवा सत्कार द्वारे का स्वीकार करा और तब जवाब दे। राजा सोचलन कि आज धोबी जान के पानी पिए से इनकार करब अगर तब बतियो न मिली तब पनिया पियलन आनंद के साथ जो कुछ द्वारे पर मिलल पानी पियलन पी के कलन की अब बता दा हमके जब सत्कार स्वीकार किए है तब धोबिनिया बतावे लगल पूछे के ना पड़ल बतावे लगल सब सरे सर कैसे बतावत तरज वह बात कि रतिया होले गरमिया ना डोले पवन वाला मां लेकिन धोबी घाटा पर बोली राजा से धोबी निया पहले पहले कि अरे सुनला पहले जन्म के हाल रहला तू मुसहर के लाल प्यार से पलल माई बाबा कर जतनी आना था। तू मुसहरे का लड़का रहला वो जन्म में और तोह से छोटा एक भाई
तोहसे कही बात समझाई कि सबसे पीछे भाईली तोहरी हम वही आप परिवार में सबसे बड़ा बेटवा रहला तो उसे छोटे भाई सबसे छोट बहन जन हम ही है। इतनी बात कहलत है कि एक माता पिता के तीन संतान रहली जात लेकिन भयल का तर्जमा बदल गई जो है बा कि गोरिया हो बिजुरिया कहवा गिरी लेकिन भुवनिया कहत बा कि भैया हो समैया बजर भैया। अरे जग में दुख दैया बजर भैल भैया हो समैया बजर भैया हो सूखा पड़ल नगरी में भारी अयन बिना लोग भैलन दुखारी कोई ना सहैया बजर भैल भैया हो समैया बजर भैल। बतावे लगल कि वह जन्म में जब एक माता पिता का मन तीन संतान रह ली जा लेकिन ऐसा सूखा पड़ल के अन्न बिना लोग मरे लगल। एक तो हमन मुसरे घरे गरीबे के लड़का और दूसरे यूरोप जन बात दुख आ गल तो वही सब भयल का तर्जमा बदल गई थे। ये सादा सिंह वाली है का अरे बड़ा की पति निया मारे तनवा का पतिया पतिया रोई रोई ना पतिया रोई रोई ना लिखवा राज मरिया पतिया रोई रोई ना लिखवा राज मरिया पतिया रोई रोई ना लिखवा राज मरिया पतिया रोई रोई ना। अरे बड़ा की पतिया मरा तनवा का पतिया पतिया रोई रोई ना लिखवा राजा मतिया यह ठीक है यह तरज बा लेकिन गाना का भाव बड़ी मार्के के लाइन बाद कि भोजा तन सोर अपने करमा का गतिया बतिया चूकी गई ना बतिया चूकी गई ना धाती भैली की समतिया बतिया चूकी गई ना धाती भैली की समतिया बतिया चूकी गई ना धाती भैली की समतिया बतिया चूकी गई ना। तो भयल का गरीबी में कि माई कहीं से लाई मांग थोड़ा नवा और रोटिया बना के धैली सब के समानवा माई कहीं से मांग के थोड़ा अन्न ले आई अब पीस के रोटी बनौलत और रोटी बना के एक कहकर टुकड़ा आटल सबके एक टुकड़ा बाबू एक टुकड़ा माई एक टुकड़ा बड़का भैया तू एक टुकड़ा छोटका भैया एक टुकड़ा हमके एक कहकर टुकड़ा सबके आटल और तब भीख मांगना द्वारे आ गई ना संहती अब बतिया चूकी गई ना बतिया चूकी गई ना भूलो स्वार्थ में जगतिया बतिया चूकी गई ना स्वार्थ में जगतिया बतिया चूकी गई ना भूलो स्वार्थ में जगतिया बतिया चूकी गई ना। भयल का कि सबके आगे कह टुकड़ा पल भाई केहू खैले ना तब लेक भिखारी आके आवाज दिलत कि तनी हमरे लोगन ख्याल करा। अब यही जगह से बात बिगड़ गई कहत बाप कि अरे वही दिन बिगड़ा दुनिया में समैया हमारा भैया हो और डगमगात धारा में डूबल नैया हमारा भैया हो नतीजा का निकलल भिखारी के साथ व्यवहार का भयत कि अरे बाबूजी भिख मंगना को द्वारे अपने फटकारे हो माई गाड़ी देवा लगली छोटका भैया मारे हो कौन हम कहली तेई समैया हमारे भैया हो और गंदा कतहू खा जाके मुदैया हमारे भैया हो। बाबू फटकरलन दरवाजे पर की कई रोज पर आज थोड़ा सा एक टुकड़ा रोटी मिलल तो हूँ मांगे आ गिला भाग द्वारे से जब दरवाजे पर फटकरलन है बाबू तब भी ना गए बड़ा भूखल द्वार से हटल ना
तो माई गाड़ी देवे लगली, तब भी ना हटल। छोटका भैया उठ के धक्का दे के दुई हाथ मरलन, तब वो ना हटल। तो हम कहली के रोटी का खैबा कहीं गंदा खप, लेकिन भैया एक बात याद रहे कि अरे धारा माती ऐसे नहीं धनवा घटेला, लेकिन यह धर्म से घट जलाई मारे धर्म की ऐसे नहीं धनवा हो घटेला, लेकिन यह धर्म से घट जलाई मार। अरे बाबू भिख मंगा को द्वारे फटकारे, तो बन के भिखारी आज घूम मकान। माई जावन गाड़ी दहल रहली दुआरे पर, अरे बन के कुत्ती गाँव गाँव घूमली सुजान। छोटका भैया जावन मरल रहल गंजवा से, बोले के नरकवा होई गइल हो महान। कि पैदा हो के रोज आज मर नगरी में, हम कहली गंदा खाओ कहीं बेईमान। जौने काय भे बिघर ले के जनमवा, सब कर गंदा यार साब करी लक्रिमान। कहे लगनी कि बाबू फटकरलन दुआरे, तो कर नतीजा के आज भिखारी बन के दुआरे दुआरे घूमत हूं। और माई गाड़ी धले रहलिन जवन आज कुत्ती के रूप धारण करके कोई गांव के बाहर रह थी, और जो साधु मिलल रहन वह बाबू हुन, और गांव के भरे तो कुत्ती मिलल रही वह मतारी हाथ, और जवन लसिया आप देखला रोज पैदा होले रोज मरेले, वही लसिया छोट के भैया कर हल जवन धक्का देले रहन के आज नरके का धक्का खात हुन। और हम मुहे से इतना निकलल कि कहीं गंदा खा तो आज सबकर गंदा साफ कर दी धोबी घरे जन्म लेके। लेकिन एक बात याद है, अब मूल बात बतौला साहेब, तेरे स्वागत में हिमालय कब हिलल बचोटिया, और राजा हो गईला बिना नवा खिया के रोटिया। राजा हो गईला बिना नवा खिया के रोटिया, राजा हो गईला बिना नवा खिया के रोटिया। हाँ कहलस कि दुनिया तकलीफ दहलस, लेकिन तू उठ के सहारा दहलस, और सहारा दे के अपने भूखल रह गला अपन हिस्सा रोटी खिया दहला। और जब खिया दहला तो छुदा पीर से पागलवा भिख मंगा रोटी खा के, लाज दुआए दिया तुम्हें भैया उस दिन हरसा के, जैसे पवला सिंह सनवा खिया के रोटिया। वही दुआ दिया कि आज हमार छुदा मिटौलस भगवानों के राजा करें, वही वरदान तो के आज प्राप्त भल है। राजा कहन की आपन तो हम जन्मे के लिए, लेकिन आज एक चीज और बेसी मिलल कि हमार परिवार संकट में बाप, तो करके इकट्ठा सबके राजा अपने महल में लाए, देकर के सम्मान उन्हें काफी तीर्थ करवाए। छूटल माया के गोहनवा खिया के रोटिया। आखिरी बात कभी कहलन कि किया हुआ उपकार कभी व्यर्थ नहीं है जाता, करनी का फल देते सबको जग में भाग्य विधाता। खुला राजा के गया नवा खिया के रोटिया। और गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुर्मा का सर गए चंडिका नवी बच्चन का बीजा पता का। अरे मैं खाने में तबाही आ गई, राम तो कब नरेश का परखा प्रेम तयाले, मैं खाने में तबाही